हेलो एवरीवन, आज हम बनाते हैं पापलेट फिश फ्राई। ये यम्मी। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैंने 3-4 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट लिया है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और फिश मसाला आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हम फिश में इसे स्टफ करेंगे। फिश को अच्छे से वॉश कर लेना है और इस तरह से इसे कट लगा देना है। और एक फिश को हमने इस तरह से कट लगा के अच्छे से वॉश करके इसे यहाँ पर भी कट लगा दिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। पहले हम 1/2 चम्मच नमक फिश को लगा लेते हैं दोनों तरफ से। इस तरह से अच्छे से लगा लो। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस भी डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लो। अंदर तक हमारा मसाला नींबू का रस चला जाना चाहिए। अब हम मैरिनेशन इसे अच्छे से लगा लेते हैं। अच्छे से कोट करना है सारे फिश को। अंदर तक हमारा मसाला चला जाना चाहिए। आपको फिश मसाला मार्केट में इजीली मिल जाएगा। हम जब गोवा गए थे तभी एक फिश मसाला लेके आई थी, लेकिन फिश मसाला सभी जगह ऑलरेडी मिल जाता है। इस तरह से सारे फिश को आप अच्छे से कोटिंग कर दो। इसे भी अच्छे से लगा के अंदर से भी हम इसे स्टफ करेंगे। अभी हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करा देंगे और जितना ज़्यादा आप रखेंगे 1 घंटे तक और भी टेस्टी बनेगा। 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम रवा लेके इसे डिप करेंगे। अच्छे से रवा से इसे कोटिंग करना है दोनों जगह से ऊपर नीचे। देखिए कितना बढ़िया सा ये हो गया है। अभी हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गरम करके मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसे 1-2 मिनट तक होने देते हैं। अब हम इसे पलट देते हैं। अब इसे बिना ढक्कन रखते ही हम पकाएंगे। देखिए कितना मस्त ये दिख रहा है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितनी मस्त हो गई है। अब हम स्टफ वाली भी फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट के लिए ढक्कन रखेंगे, बाद में निकाल देंगे। ये भी हो गई, इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया सी ये हो गई है।
टेस्टी। बहुत ही मस्त फिश फ्राई तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस